एगो बेटा पैदा होत नहीं खे, एगो बेटा पैदा कर लो ओकरा खातिर क्षमता चाहिए। जमुना वृक्ष में भगवान के पानी पड़ता, ओकरा के हिला के सुखावला के तहरलो के बस के नहीं खे, हम सुखबे ना करब। जमुना वृक्ष में थोड़ा बहुत फल लग जाला नू तो वृक्ष के थोड़ा सा झुक जाए के चाहिए। तो तोहरों में थोड़ा सा फल लग गए बा तो तुहू थोड़ा सा झुक जा। आई छोटा छोटा मुद्दा पे, छोटा छोटा चीजों पे लाइव आना बंद कर दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में एक आप ऐसा कलाकार है जिसे फेसबुक भी त्रस्त हो जाता होगा। अरे यार, ये आदमी हर एक दो तीन दिन पर लाइव आके कंट्रोवर्सी करने का कोशिश करने लगता है। मतलब कि बताइए, अभी फिलहाल मगैया जवान और टुनटुन लाल यादव के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसी के बीच खेसारी लाल यादव कूदने आ गए हैं बिना किसी मतलब का। जब कहीं से कोई चीज ऐसा नहीं चल रहा है, जब पवन सिंह इनके बारे में किसी भी लाइव में कुछ भी नहीं बोला है, किसी भी स्टेज शो में कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी आदमी लाइव आके उस चीजों पे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं क्या है, 32 मिनट के लाइव में एक चीज बड़ा कम है, एक चीज बहुत बढ़िया लग रहा है। जाना कोची थोड़ा सही वाला देखा। खेसारी लाल यादव जब भी लाइव आते हैं ना, तो ई वाला एगो पाक 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 पिछला बार ऐसे कर रहे थे। मतलब अब ई सुन के ई देख के बहुत मजा आता है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिलता है। चलिए, भोजपुरी के कुछ ऐसे भी सुपरस्टार है जो अपने लाइव के माध्यम से भी लोगों का एंटरटेनमेंट बनने का काम आते हैं। किसी के काम को नीचा दिखा के, किसी को बुरा बोल के, किसी को बड़ा बनाओगे मत बनाओ। खेसारी लाल यादव का ई वाला स्टेटमेंट हमको बहुत गलत लगा, क्योंकि जो चीज को खुद पे अमल नहीं करते हैं उसी चीज को दूसरे पे अमल करने के लिए हमेशा बोलते हैं। पहले खुद में सुधार लाइए, फिर दूसरा कोई जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो शायद आपके इस सुधार को देख के खुद भी सुधार जाए। जैसे भी इसको देखिए ना, ये जो कुत्ता सा शकल का ये आदमी दिख रहा है, ये आपसे पर्सनली मिल चुका है एक बार नहीं, कम से कम 20-25 बार। आप इसको पर्सनली बाबा बाबा बोल के इसको जानते भी है, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन अक्सर अपने वीडियो में हर बार पवन सिंह का के बुराई करता है, वो आपका साथ में तुलना करके आपका बड़ाई करता है। तो बताइए कहां तक सही है। खैर, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, जितना जो करता है वो अपना करते रहे, हमको इसी से ना कल मतलब था ना आज है। लेकिन हम बस मतलब इसलिए रखना चाहते हैं फिलहाल की इस वीडियो में, क्योंकि आपका एक वीडियो जो लाइव अभी चला अभी कुछ देर पहले आप देखे, आप ही के द्वारा बोला गया है वो स्टेटमेंट था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा ये चीजवा को आपको भी दिखा देते हैं, है ना। दो चार जना रूम में बैठ के पक्कर पक्कर केहू के बारे में कुछ उल्टा बोल देता रहो, तू लोग के करके बोला तरह तरह के पता बा। ये वाला पार्ट के देखे तो हमको ऐसा लगा कि खेसारी लाल यादव जी हमारे पर बोल रहे हैं, कहे कि देखिए बंद रूम है, कमरा है, इसी में हम वीडियो बनाते हैं भाई। तो हमको ऐसा लगा कि हम पे ही बोल रहे हैं, तो हम अपने तरफ से एगो बात बोलना चाहते हैं कि यही रूम से जानते हैं, कभी कभी आपका गाना भी हम प्रमोट कर देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपको मदद मिल जाता होगा। जैसे कि ई वाला देखिए, कि जब आपका तबला गाना आया था ना, तो हम प्रमोशन किए थे इसका 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा था, तो समझ जाइए कि कम से कम 10 लाख 11 लाख लोगों ने आपका वीडियो तो जाके जरूर देखा होगा। भगवान बनल बड़े हमारे खत्म कर दिए, सब जन हम सपोर्ट में बड़े, कुछ गायक लोग कुछ स्टार लोग। यही चीज जो था वो पवन सिंह के लिए था, भगवान बड़ा बड़े हुए, सब लोग मिल के कलाकार गायक जितना बा सब हमरा के उखाड़ के फेंक दी है, वो खत्म कर दी हमरा के। देखिए ऐसा तो कुछ हम अभी तक देखे नहीं है फेसबुक यूट्यूब पे कि पवन सिंह कुछ ऐसा चाहता है। और पवन सिंह के बारे में यही लाइव में और पता न का का बोलता है भाई खेसारी भाई, वो अब सुन के वह चक्कर आ जाएगा, बहुत चक्कर आ जाएगा। कहें कि ऐसा ऐसा बात जो एकदम पर्सनली लाइफ में आके किसी को टॉर्चर करना होता है ना, जिसको हम टॉर्चर करना बोल सकते हैं, उस तरीके के शब्दों का वाक्य का इस्तेमाल अपने लाइफ में खेसारी लाल यादव जी कर जाते हैं, उनको भनक तक नहीं आता है। हालांकि वो वीडियो कुछ देर बाद डिलीट हो जाता है उनके पेज से, शायद यही सब चीज जो अपने वीडियो में इस्तेमाल किए हैं इसी के कारण उनको डिलीट करना पड़ जाता है। सब जन उनके सपोर्ट में बड़े, अब बार बार बात यही पे आगे टिक जाता है कि खेसारी लाल यादव का कोई भी कलाकार समर्थन क्यों नहीं करता है। जानते हैं कारण क्या है? कारण यही है कि खेसारी लाल यादव वही खेसारी लाल यादव है जो आज से एक साल पहले किसी कमरे में बैठ के और पूरे कलाकार को, भोजपुरी के जितने भी कलाकार है ना, सबको गलिया दिए थे, एक ही टोन में सबको घसीट दिए थे। ये घेवड़ा बाड़े, ये सिकते बाड़े, हमारे ई बाड़े, हमारे ऊ बाड़े, 2 लाख के 4 लाख के औकात न बाड़े, यही सब करके बोल दिए थे। तो कौन कलाकार आपके समर्थन में आएगा हमको बताइएगा। एगो बेटा पैदा होत नहीं खे, एगो बेटा पैदा कर लो, समझ में नहीं, ओकरे खातिर क्षमता चाहिए। हाँ, बेटा पैदा करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव में है, जो कि बेटा पैदा कर चुके हैं। पवन सिंह भले से नहीं कर पाया है, लेकिन उसके बीच भी कुछ कारण है, तो क्षमता पवन सिंह के पास जाओ, थोड़ा सा झुको, तब थोड़ा सा क्षमता पवन सिंह वाला दिखेगा। पावर हो सकता है कि लेट लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद क्या पता तुम भी कुछ पेट, मतलब जो भी हो।
जब ज्यादा बोलने में बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं बोलना चाहिए और बुला जाता है खेसारी लाल यादव से, तो एक ही चीज पे पिछली बार जैसे लाइव आए थे वही चीज को कैसे रिपीट करते हैं उसको भी थोड़ा सा आप लोग देखिए। लेकिन तरह लोग घेरा आगे बढ़े एग्रीमेंट में आगे बढ़े तो ये पूरा जीवन का एग्रीमेंट मानी है बाबू। एग्रीमेंट मतलब ये पिछले कितने दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव एक ऐसा एग्रीमेंट में फंस चुके हैं, खेसारी भाई ऐसा एग्रीमेंट एक तो कर दिए थे नहीं पढ़ने लिखने के कारण, वही एग्रीमेंट आज तक इनको सता रहा है। तो बताइए खेसारी लाल यादव, जिस समय उस एग्रीमेंट को आपने किया था उस समय जब पैसा मिला था बढ़िया एकदम मोटा रकम, तो जब घरवा कहीं पे मुंबई में मकान तो कहीं पे जमीन जब खरीद रहे थे तो जनता को आके आप बताए थे ये जनता ये हमारे श्रोता लोग हम तो 10 करोड़ में वो एग्रीमेंट कर दे बानी जेकरा में हमारा के इतना रुपया मिलल बा और हम इतना काम करत तानी अपन घर के इतना जमीन खरीद लेनी और इतना घर अपन बना लेनी और 5 गो ट्रैक्टर एक साथ खरीद लेनी। तो जब ई सब जनता के कभी नहीं बताए, जब खुशी जनता के सामने आप जाहिर नहीं कर सकते हैं तो दुख कौन बात के हो, और ई जनता आखिर कर क्या सकता। एग्रीमेंट शायद तुम किए हो, जनता इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि 20-25 लाख में तुम केकरो परिवार को घसीट के तू खानदान को खत्म कर सकता है तो फिर एक में जनता तो मदद भला कर ही का सकता है। खैर इस चीजों पे खुद को देखना होगा, खुद को देखिए, अगर आपके पास ऐसा पावर है कि उस चीज को आप हटा सकते हैं तो उस पे कोशिश कीजिए, ना कि लाइव आके बकबकाने से कुछ हासिल हो जाएगा। आप अपने विचार से अपने बातों से कि अपने भाषा का आदमी है इसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तू लो तो सब जना लागल बा कि ना खेसरिया को उखाड़िए देवे के बारे। हम अपने विचार से अपने भाषा के लिए हम अश्लीलता पे कदम उठाए हैं जिसमें आप हमारा समर्थन थोड़ा बहुत आजकल कर रहे हैं लेकिन पहले नहीं करते थे, और थोड़ा बहुत समर्थन करने में आपको देखने को मिला होगा कि मगहिया जवान थोड़ा बहुत वीडियो भी आपके प्रमोशन में बना दे रहा है जो कि तबला गाना का आपको सीधा सीधी प्रूफ दिख रहा है कि 1.5 मिलियन व्यूज इस पे भी है। तो अगर आप अच्छा कीजिएगा तो इधर से भी अच्छा ही होगा। रहा बात दो चार लोग के जो कैमरा में बैठ के वीडियो बनाता है तो इसका भी मेहनत उतना ही लगता है जितना आपका एक छोटा सा ऑडियो गाने में लग जाता होगा, क्योंकि इसको भी बहुत तरह से एडिट करना पड़ता है, बहुत तरह से इसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसको देखना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत चीज है इसमें तो बहुत ज्यादा आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको वीडियो एडिट करना नहीं होता है, आप तो बस आके कमर हिला के चले जाते हैं, उसके बाद बाकी सब एडिटर का काम होता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा तकलीफ है खेसारी भाई, ऐसा नहीं है कि मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप ही करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं और जितने भी रूम में बैठने वाले लोग हैं और वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो भी मेहनत करता है। बाकी आप एक स्टार हैं तो स्टार की तरह ही खुद को दिखाइए, हमेशा ये फेसबुक पे लाइव आके रोने लगना ये कोई स्टार का काम नहीं होता है। स्टार का काम वही होता है कि अपने सारे प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर दे, ना कि आके जनता पे छोड़ दे। जनता पे अपना गाना तो छोड़ते ही है, जनता उसको तो सुनता ही है, जनता और काका करे बेचारा है ना। बाकी देखिए समझिए एग्रीमेंट जब तक है तब तक दबे रहिए, उसके बाद उठिएगा और गाना बनाइएगा, 2500 चैनल से रिलीज कीजिएगा। बाकी आप पे हमको विश्वास है कि थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिएगा, गाना ना चल रहा हो तो इसके लाइव आके रोने से बकबकाने से कुछ नहीं होता है खेसारी जी, कुछ करना पड़ता है, ये हाथों के लकीर को बदलना पड़ता है। बाकी नमस्कार प्रणाम जय मगध।